हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम परीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की SST के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके हम एक्सरसाइज का पोर्शन करेंगे। दैट मींस के इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के 3 वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लें। उन वीडियोस में मैंने इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग जो है वो करवाई है। ये वीडियो जो रहेगा ये इसके राइट इन ब्रीफ वाले क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। इसके बाद जो आ जाएगा वो राइट इन डिस्कस या फिर आप बोल सकते हो डिस्कशन वाला पोर्शन जो है वो रहेगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट मीन्स के विद इन 2 लेक्चर्स, जैसे कि ये आज का और एक लेक्चर और जो आएगा उसमें हम इस चैप्टर को कम्प्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पहले यही सजेशन रहेगी, चैप्टर की रीडिंग जो है वो आप फुली देख लें, उसके बाद ही आप इस सीरीज़ को आके देखें। ये देखिए, ये है आपका इस चैप्टर के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर जो है वो 2 पोर्शंस के बीच में आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कि राइट इन ब्रीफ एंड सेकंड पोर्शन जो है वो रहेगा डिस्कस वाला, ठीक है। तो थर्ड जो है उसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क पूछा होता है। तो इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क पूछा हुआ है कि आपको एंटी कलोनियल मूवमेंट जो कि इंडो चाइना के खिलाफ चलाई गई थी उसके बारे में आपने देखना है, उसके बारे में बताना है। एंड आपने क्या करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को कंपेयर करना है इंडो चाइना दोनों, मतलब इंडिया और चाइना की मूवमेंट्स के बारे में बताना है। इंडिया ने कौन सी मूवमेंट चलाई, चाइना ने कौन सी मूवमेंट चलाई, ठीक है। फिर ये दोनों को आज़ादी कैसे मिली, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क जो है ये हम करेंगे, ओके। तो अब हम जो है वो आप ये देखिए, राइट इन ब्रीफ वाला जो आपका पोर्शन है उसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, देखिए उसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट के जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको सिंपली पूछा हुआ है, थर्ड में भी आपको पार्ट्स पूछे हुए हैं और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी आपको सिंपली पूछा हुआ है। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, एक्सप्लेन करना है आपको, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको उनको एक्सप्लेन करना है। व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कलोनियल मूवमेंट। जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी कलोनीज के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंडर जो नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की ग्रोथ जो हो रही थी वो एंटी कलोनियल मूवमेंट से कैसे लिंक करती हैं। एंटी कलोनियल मूवमेंट वो मूवमेंट्स होगी जो कि मतलब कलोनीज के खिलाफ चलाई जा रही थी, ठीक है। अगर जो मतलब आज़ादी पाने के लिए इंडियन जो थे वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो था वो डिफरेंट डिफरेंट जो मूवमेंट थे चला रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या रोल रहा, सेकेंड फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट आ गया, नॉन कोऑपरेशन, राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हुआ, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगी, सॉल्ट मार्च हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, स्वराज हो गया, इन सब के बारे में बताया था। ये सारी मूवमेंट जो थी ना ये एंटी कलोनियल ही थी क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, इसलिए यहाँ बोला गया कि एंटी कलोनियल मूवमेंट जो थी वो कैसे लिंक कर रही थी नेशनलिज्म की ग्रोथ, जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी कलोनीज़ में। अब ये देखिए, जो ग्रोथ हो रही थी नेशनलिज्म की कलोनीज़ के अंदर वो लिंक करती थी एंटी कलोनियल मूवमेंट के साथ। क्यों? बिकॉज कलोनाइजेशन अफेक्टेड पीपल्स फ्रीडम। जब ये आपकी कलोनीज़ जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के अंदर सेटअप की गई, उसकी वजह से जो लोगों की आज़ादी थी ना उसके ऊपर बुरा असर पड़ रहा था। लोग जो थे वो अब धीरे धीरे गुलाम बनते जा रहे थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स उनको अपना गुलाम बना रही थी। सेकेंड पॉइंट जो है उसमें ये है कि द सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन बिकम अ कॉमन बॉन्ड फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विच रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज। यहाँ पे आइडियाज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने आइडल्स लिख दिया है, यहाँ पे इसको आइडियाज़ कर दीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो सेंस ऑफ ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन की जो सेंस थी, यानी कि किसकी भावना जो थी मतलब ऑप्रेस करना, किसी को दबाना और किसी का शोषण करना, यानी कि किसका शोषण और किसको दबाया जा रहा था, यहाँ पे इंडियन पीपल्स को दबाया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। तो वो एक बॉन्ड बन रहा था, यानी कि जब इंडियंस एक दूसरे को देख रहे थे कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो सबके साथ एक सलूक कर रहे हैं, तो लोग जो थे वो एक बॉन्ड बना रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के जो लोग थे वो एक बॉन्ड बना रहे थे, जिसकी वजह से जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ जो थे ना उसको ग्रोथ मिली, वो बढ़ने लगे, ठीक है, लोगों के अंदर उनको वो जागरूक होने लगे। देन उसके बाद देखिए, पीपल जो थे ना अब उनको इस चीज़ का पता चलने लगा कि भाई हम जो हैं वो यूनाइट होके, ठीक है, हम यूनिटी जो हमारे अंदर होगी उसकी वजह से, जो मतलब अगर हम इकट्ठे मिलकर स्ट्रगल करेंगे तो हम कलोनियलिज्म को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, अपने देश से निकाल सकते हैं, ठीक है। लोगों को अब ये सारी चीज़ें जो थी इसकी जो मतलब समझ थी वो आने लगी थी। तो यही सारी चीज़ें जो थी ना वो हेल्प कर रही थी एंटी कलोनियल मूवमेंट्स को चलाने में इन ब्रिटिश रूल, ओके। नेक्स्ट जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है,
हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो कैसे मदद कर रहा था इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट को ग्रो करने में. तो मैंने बताया था आपको जब मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर की रीडिंग करवाई थी उसमें मैंने आपको 3 या 4 पॉइंट्स बताए थे. ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये तो आपको हेडिंग आ गई कि बहुत सारे तरीक़ों से वो हेल्प कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट को बढ़ाने में. पहला तो आ गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो था ब्रिटिश आर्मी क्या कर रही थी, गांव से इंडिया के गांव के लोगों को क्या करती थी, फोर्सिबली रिक्रूट कर रही थी, यानी कि आर्मी में भर्ती कर रही थी. ये भी एक कारण रहा किसका, नेशनल मूवमेंट को इंडिया के अंदर चलाने का. ठीक है, अब क्या हुआ, सेकंड क्या था कि जो भी खर्चा हुआ वो उस वॉर के ऊपर उसको पूरा करने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया और इनकम टैक्सेस को इम्पोज कर दिया, जिससे लोग एग्रेशन में आ गए. थर्ड क्या हुआ, क्रॉप जो फेल्ड हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब खेती बाड़ी नहीं हो पा रही थी, एपिडेमिक जो था वो फैल चुका था, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी थी वो फैल चुकी थी, जिसकी वजह से खाने की तादाद में उस शॉर्टेज आने लगी. ठीक है, तो ये सारे कारण बने किसके, नेशनल मूवमेंट्स को इंडिया के अंदर लाने के. और इन्हीं की वजह से, यानी कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मदद की वजह से ही लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना फैली और लोग जो थे वो क्या करने लगे, नेशनल मूवमेंट्स को चलाने लगे ताकि उनको इन अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर से आज़ादी मिल सके. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, व्हाई इंडियंस वर आउटरेज बाय द राउलेट एक्ट. आउटरेज का मतलब होता है एंगर बोल सकते हो, ठीक है, गुस्सा बोल सकते हो, इन्फ्रिंज बोल सकते हो. ठीक है, ये सारे मतलब गुस्सा बोल सकते हो, जिसको आप गुस्सा बोलते हैं, या उल्लंघन करना बोल सकते हो. इन्फ्रिंज का मतलब हो गया उल्लंघन करना. तो राउलेट एक्ट जो था, कैसे राउलेट एक्ट की वजह से इंडियंस जो थे वो गुस्से में आ गए या उल्लंघन करना उन्होंने शुरू कर दिया अंग्रेज़ों का. तो देखिए, राउलेट एक्ट सबसे पहले 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया. ये एक्ट जो था वो जल्दी जल्दी जो था वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जैसे आपके अभी लोकसभा राज्यसभा ना, उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ पर इम्पोज कर दिया गया. जिसकी मतलब अब देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम अभी अपनी लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी बिल पास करते हैं तो उसके लिए हमें रजामंदी चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है. ठीक है, अगर उसके लिए कम वोट मिलेंगे तो वो बिल पास नहीं होता है. जैसे राज्यसभा में कोई बिल पास करना है तो सोचिए, अगर 10 बंदे जो हैं वो रजामंद हैं, ठीक है, 10 पॉलिटिकल लीडर्स रजामंद हैं, लेकिन 20 नहीं है, तो वो बिल पास नहीं होगा. लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, उस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स भी थे. ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस बिल को, उस एक्ट को उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास कर दिया बिना इंडियन मेंबर्स की रजामंदी के. दैट मींस कि इंडियन मेंबर्स जो थे वो उसको अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस बिल को, उस एक्ट को पास कर दिया. ये जो एक्ट था ना, ये एक्ट क्या कर रहा था, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे रहा था ताकि वो क्या कर सके, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सके, दबा सके. अब बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स के साथ सामने आ रहे थे, तो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, उन पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर रोक लगाई गई, उनको दबाया गया कि भाई अगर आप किसी भी मूवमेंट के साथ आओगे, अगर आप हड़ताल करोगे, अगर आप रैलीज निकालोगे, तो हम क्या करेंगे, आपको उठा लेंगे. आपको मतलब उठा लेना इन द सेंस कि आपको जेल में डाल देंगे बिना कोर्ट ट्रायल के, आपको मतलब बिना कोर्ट में पेश किए हम 2 सालों तक जेल में रखेंगे. फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए, इट अलाउड डिटेंशन. डिटेंशन का मतलब होता है जैसे जेल में बंद कर देना. ठीक है, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो यहाँ पे आएगा 2 ईयर्स. ठीक कर लीजिएगा इसको. ओके, क्या है, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, यानी कि इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को, पुलिस को ये अधिकार मिल गया था कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, यानी कि जो वो कौन थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी कोर्ट ट्रायल के. 2 सालों तक वो जेल में रह सकते हैं बिना किसी जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किए बिना हम उनको जेल में 2 सालों तक रख सकते हैं. तो ये किसका मोटिव था, ये इस राउलेट एक्ट का मोटिव था. ठीक है, इससे जो था वो बहुत सारे दंगे फसाद जो थे वो शुरू हो चुके थे. मेन मोटिव इसका ये था कि ये इंडियंस की रजामंदी के बिना जो था इसको पास किया गया था. आगे देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है इसका, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. मैंने आपको बताया ना कि गांधी जी जो खुद ही मूवमेंट चलाते थे उसको वापस ले लेते थे, क्योंकि गांधी जी जो थे ना वो अपने अपने आइडल्स के बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, उनको ओबे करते थे, उनको बहुत ज़्यादा मानते थे. तो उनका ये मानना था कि बिना वायलेंस के अगर हम कोई जीत को हासिल कर ले तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, नॉन वायलेंस जो था वो नहीं चाहते थे,
सॉरी वायलेंस जो था वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे बिना नॉन वायलेंस के कोई भी काम हो जाए। तो क्या हुआ, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। वो ये महसूस करते थे, उनका ये उनको ये लगने लगा कि अब क्या है, बहुत सारी जगहों में वॉयलेंस होना शुरू हो चुका है और जो सत्याग्राही थे ना उनको अब पूरी एक प्रॉपर ट्रेनिंग पहले देनी पड़ेगी, बिफोर उनको मतलब किसी भी मास स्ट्रगल के लिए तैयार करने से पहले उनको पहले एक पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग जो थी वो देनी पड़ेगी। आपको मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया था, यानी कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी तब क्या हुआ था, चोरी चोरा एक जगह है वहाँ पर क्या हुआ था, वो एक वहाँ पर एक पुलिस पोस्ट थी, ठीक है, अंग्रेज़ों की पुलिस पोस्ट थी। तो कुछ क्या हुआ, रैली लोग जो थे वो रैलीज निकाल रहे थे तो पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ गए, उन्होंने क्या किया, रात को वो चोरी चोरा वहाँ जगह पे गए, वहाँ पे 20 पुलिसमैन जो थे वो सो रहे थे और उन्होंने उन पुलिसमैन के ऊपर क्या कर दिया, मतलब उस पुलिस स्टेशन के ऊपर उन्होंने आग लगा दी और वहाँ पे वो 20 पुलिसमैन जो थे वो मारे गए, ठीक है, जिंदा जल गए। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे जो लोग थे वो वायलेंस करना उन्होंने शुरू कर दिया था, जैसे तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया उन्होंने, अंग्रेज़ों की बिल्डिंगें जलाना शुरू कर दिया। तो यही एक कारण था कि गांधी जी ने बोला कि भाई मुझे वायलेंस नहीं चाहिए है, आप क्या करो बिना वायलेंस के अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ ये मूवमेंट जो था मैं वापस ले लूँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने वो मूवमेंट जो थी वो वापस ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जब मैंने आपको आइडिया ऑफ सत्याग्रह स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, ये गांधी के द्वारा जो था ये स्प्रेड किया गया था। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो है वो एक यूनिक मेथड जो है किसका, मास एग्रीटेशन का, उसको इम्प्लाई करता है, जिसमें पावर ऑफ ट्रूथ जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और सर्च एंड अ नीड टू सर्च द ट्रूथ। दैट मीन्स के आइडिया ऑफ सत्याग्रह यानी कि सत्याग्राही को ये बताया गया कि आपके पास शक्ति होनी सही चाहिए सच्चाई की और एक आपको ज़रूरत है कि आप सच्चाई की तलाश करो, ठीक है। और ये जो आइडिया था ये सपोर्ट कर रहा था कि अगर आप लोग ये विश्वास करते हो कि जो आपका कॉज है वो सही है, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम है या जो भी आपके साथ गलत हो रहा है वो मतलब जो भी आपके साथ गलत कर रहा है वो सही कर रहा है, सही करने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है आप सही हो लेकिन आपके साथ गलत हो रहा है, तो जो आपका स्ट्रगल होगा ना इनजस्टिस के अगेंस्ट वो बिना किसी फिजिकल फोर्स के जो है वो किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जैसे ये ब्रिटिशर्स हैं, ये इंडियंस हैं, ब्रिटिशर्स इनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, इनको ऑप्रेस कर रहे हैं, इनको ठीक है क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो अब इंडियंस को क्या है, इंडियंस को पता है कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन इंडियन जो है वो मूवमेंट्स चला रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट चलाई, स्वदेशी मूवमेंट चलाई, ठीक है, ये सारी मूवमेंट जो है वो इंडियंस ने चलाई। अब इंडियन मूवमेंट्स तो चला रहे हैं लेकिन वो इनके अगेंस्ट चला रहे हैं, ठीक है, इनके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चला रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स को लगता है कि ये गलत कर रहे हैं लेकिन इंडियंस को पता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बदसलूकी हो रही है, हमें दबाया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो हैं वो मूवमेंट्स चलाएंगे ताकि हमें इनसे आज़ादी मिल सके, ठीक है। पर ये मूवमेंट जो थी ना, ये गांधी जी चाहते थे कि ये मूवमेंट जो है वो बिना वायलेंस के हों, लेकिन लोग जो थे इंडियन पीपल जो थे वो बिना वायलेंस के ये मूवमेंट नहीं चला पाए। इसीलिए गांधी जी जो थे वो आइडिया सत्याग्रह के थ्रू ये बताना चाह रहे थे बिना वायलेंस के अगर आप किसी चीज़ को हासिल कर सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, बिना किसी फिजिकल फोर्स के, बिना किसी को मारे पीटे, बिना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किए आप क्या करो अपनी जीत को हासिल करो। और इस स्ट्रगल के थ्रू ट्रुथ जो था वो सबसे ज़्यादा, मतलब सच्चाई के साथ आप किसी भी जीत को क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। मेन मोटिव यही था, किसका मेन मोटिव जो था महात्मा गांधी का, वो ये था कि भाई बिना किसी लड़ाई झगड़े के आप लोग क्या करो जीत को हासिल करो, ये उनका मेन मोटिव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, आपको दो टॉपिक दिए हुए हैं उसके ऊपर आपने एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है। तो पहला आपका जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग मैसेकियर, ठीक है, जो भी ये घटना हुई थी उसके बारे में, जलियांवाला बाग के अंदर जो भी घटना हुई थी उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो आप सबको पता है 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, एक मीटिंग जो थी वो अनाउंस कर दी गई और इसी दिन जो है वो बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है। और ये आपको मैंने ये जलियांवाला बाग मैसेकियर के बारे में भी पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग जो थे वो बाहर से गाँव बहुत दूर दराज के एरिया से आते थे ताकि वो यहाँ पे आके क्या कर सके, बैसाखी के फेयर को, मेले को सेलिब्रेट कर सके। और उनको नहीं पता था यहाँ पे मार्शल लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। मार्शल लॉ वो लॉ है जहाँ पे आर्मी का रूल चलता है, यानी कि अगर आर्मी को लगेगा कि कोई भी सेडिशियस एक्टिविटी हो रही है तो आर्मी उसके ऊपर एक्शन जो है वो ले सकती है, उसको मार सकती है, ठीक है।
अरेस्ट कर सकती है। तो क्या हुआ, अब यहाँ देखिए 13 अप्रैल 1919 में एक पब्लिक मीटिंग जो थी उसको अनाउंस कर दिया गया जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, ताकि वो क्या कर सके, रौलट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके। मैंने अभी बताया रौलट एक्ट जो था वो इंडियन मेंबर्स को बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें ये था कि बिना किसी ट्रायल के किसी भी इंडियन को 2 सालों तक जेल में सज़ा मिल सकती है। वो इसके अगेंस्ट थे, इंडियंस इसके अगेंस्ट थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए ये एक बेनिफिटेड एक्ट था, इसलिए उन्होंने इसको जल्दी से जल्दी क्या किया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे वो जलियांवाला बाग में आए, 1000 ऑफ पीपल जो थे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। सडनली क्या हुआ, जनरल ब्रिगेडियर डायर जो थे, ठीक है, जनरल ब्रिगेडियर डायर जो थे वो वहाँ पे अपने आर्म्ड ट्रुप्स के साथ, आर्म्ड ट्रुप मतलब अपने जो जो उनकी ट्रुप्स थी ना, उनके जो उनके ट्रुप्स थे यानी कि जो उनके सोल्जर्स थे, वो हथियारों से भर कर उनको वहाँ लेके आए। उन्होंने क्या किया, जनरल डायर ने क्या किया, जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे बाग के, जलियांवाला बाग के, उनको बंद करवाया और इनोसेंट सिटीजन्स के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दी, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल जो थे, जिसमें वुमेंस भी थी और चिल्ड्रंस भी थे, वो मारे गए उस दिन। किस दिन, 13 अप्रैल 1919 में, जिस दिन बैसाखी था। कुछ लोग तो वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने आए थे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे मेला जो था वो अटेंड करने आए थे बैसाखी का। फिर क्या था, जर्नल का यानी कि जर्नल डायर का मेन पर्पस था ये सब चीज़ करवाने का, कि वो लोगों के अंदर जो है, लोग कौन से जो मूवमेंट चला रहे थे, सत्याग्राही जो थे, उनके अंदर डर जो है उसको पैदा किया जा सके। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत सारे लोग जो थे वो एग्रेशन में आ गए, गुस्से में आ गए, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हड़ताल करना शुरू कर दिया, शॉप्स बंद करना शुरू कर दी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो थी उन्होंने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द साइमन कमीशन, सॉरी ये आपका थर्ड क्वेश्चन में ही पार्ट है, जिसमें आपको न्यूज़पेपर के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है, और टॉपिक क्या है आपका, द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में भी मैंने बताया था, तो ये अपॉइंट किया गया था 1928 में। ये जो कमीशन था ना, इसमें 7 मेंबर्स थे और इसका जो चेयरमैन था यानी कि इसका जो हेड था वो कौन था, सर जॉन साइमन। ये इंग्लैंड से आए थे। तो इनको क्या किया गया, इस कमीशन को अपॉइंट करने का मेन मोटिव क्या था, कि जो इंडिया के अंदर, क्योंकि अब इंडियन पीपल जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, तो क्या था, इस कमीशन को अपॉइंट करने का मेन मोटिव ये था कि जो भी इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस लाने चाहिए, कैसे फंक्शंस होने चाहिए, पावर्स किस किस के पास होने चाहिए, उसको डिस्कस करने के लिए जो था ना वो इसको अपॉइंट किया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो इसके अंदर ये जो 7 मेंबर्स थे ना, ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इंडियन पीपल ने इसको भी अपोज़ किया। अब इंडिया जो था, मतलब इंडिया के अंदर कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होना चाहिए, कैसे यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो रन करनी चाहिए, उसको सजेस्ट करने के लिए इस कमीशन को अपॉइंट किया गया। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो थे वो लाए गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेशनलिस्ट जो थे इंडिया के अंदर, यानी कि जो नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे इंडिया के अंदर, उन्होंने इस कमीशन को अपोज़ किया, मना किया, क्योंकि इस कमीशन के अंदर ये जो 7 मेंबर थे ये सारे ब्रिटिशर्स थे, इसमें इंडियन एक भी नहीं था। अब कांग्रेस और मुस्लिम जो थे ना, उन्होंने वो दोनों, मतलब दोनों इकट्ठे होगी और उन्होंने इसका अपोजिशन किया, किसका, साइमन कमीशन का। और साइमन कमीशन जब इंडिया पहुंचा, यानी कि जब सर जॉन साइमन जब इंडिया पहुंचे, तो उनको जो था उनका यहाँ पे ये ग्रीटेड लिखा हुआ है, ओ नहीं है, ये ई है, ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। उनका जो, मतलब क्या बोल सकते हैं, स्वागत जो था वो नारों के साथ लगाया गया, गो बैक साइमन, मतलब साइमन जो था जहाँ जहाँ से वो गुजर के जा रहा था वहाँ वहाँ पे लोग जो थे वो गो बैक साइमन के नारे लगा रहे थे, ठीक है। तो फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो, उसमें क्या है, तो उसमें मैंने आपको भारत माता की इमेज के बारे में भी बताया था और जर्मानिया की इमेज के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी, जो लास्ट का जो आपका लेक्चर रहा था, यानी कि थर्ड पार्ट जो रहा था इस चैप्टर का, उसमें मैंने बताया था। तो भारत माता की इमेज जो है वो इस चैप्टर में है और जर्मानिया की इमेज जो है वो चैप्टर 1 में थी, ठीक है। तो अब आपको ये पूछा, बोला गया कि आप क्या करो, जो इस चैप्टर के अंदर भारत माता की इमेज है और जो चैप्टर 1 के अंदर जर्मानिया की इमेज है, उसको आपने कंपेयर करना है। तो जर्मानिया की इमेज देखिए, अगर हम की बात करें तो जर्मानिया जो था ये सिंबल था जर्मनी का, सिंबल मतलब चिन्ह जो था, निशान जो था, ये किसका था, जर्मनी का। ये जो इमेज थी ना, इसको फिलिप वेट ने 1848 में क्या किया था, प्रिंट किया था, बनाया था। इस पिक्चर के अंदर जो ये पिक्चर बनाई गई है ना, इसमें वो जो जर्मानिया है उन्होंने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है और एक हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, फ्लैग पकड़ा हुआ है। जर्मानिया ने एक ओक का लीव पहना है, ओक ये जो लीव है ना, ये जो जर्मनी में ही ग्रो करता है, तो क्या है, ये ओक लीव पहना हुआ है। और जर्मन में ओक जो है वो हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है। हीरोइज्म क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हीरोइज्म साहब वो स्टैंड करता है वीरता के लिए, बहादुरता के लिए, ठीक है। तो
ये ओक लीफ जो है जर्मनी के अंदर हीरोइज्म जो था वो स्टैंड कर रहा है किसके लिए, बहादुरता के लिए। मतलब ये बताया जा रहा है कि क्या है जो ये जर्मनिया की जो पिक्चर है वो यहाँ पे लोगों के अंदर वीरता को उत्पन्न करने के लिए, जागरूक करने के लिए जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, भारत माता की जो इमेज है, ये जो इमेज है ये सिंबल है इंडिया का, इंडिया का चिन्ह है। इसको अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं, उन्होंने 1905 में इसको प्रिंट किया। भारत जो माता है इसने अपने हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा है, ठीक है, उसके पीछे जो है वो क्या है, एक लॉइन खड़ा है, फिर उसके बाद एक एलिफेंट है, और वो लॉइन और एलिफेंट जो है ना वो सिंबल है किसका, पावर और अथॉरिटी का, ठीक है। तो ये बताया गया है इसके अंदर, पावर और अथॉरिटी का सिंबल बताया गया है किसको, लॉयन और एलिफेंट को और त्रिशूल को। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है या कुछ रहता है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने नहीं अच्छे से समझाया है इन क्वेश्चंस में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए और उनको बोलिए कि इस चैनल को जो है वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमें इसमें व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी जो है वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई मेरे को और वीडियोज़ जो है ऐसी लेके आनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।